बरम केला विकासखंड के 8 जगह कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जा रहा है। 15 साल से लेकर 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, जिसमें आज बरम केला विकासखंड के कई स्कूलों में वैक्सीनेशन किया गया। कुल मिलाकर 8 जगहों में बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्य चालू है। सभी स्कूलों का खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दौरा कर जायजा लिया जा रहा है। वहीं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसलिए सेंटर में अपने स्टाफ के साथ स्कूल के टीचरों का भी ड्यूटी लगाया गया है। टीचर के मार्गदर्शन और उनके मोटिवेशन से बच्चों का उत्साह बना रहे। मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 9वीं मोना मॉडल स्कूल से हूँ। आज हमारे स्कूल में पहला डोज वैक्सीनेशन का लगा है और मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप भी लगाएं और दूसरों को भी लगाने से प्रोत्साहित करें, धन्यवाद। आज दिनांक 3 जनवरी को बरम केला ब्लॉक में हमने 8 जगह पे वैक्सीनेशन सत्र प्रारंभ किया है, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड का टीकाकरण कोवैक्सीन लगाया जाना है। जैसा कि अभी हम शिशु मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए। मोना मॉडल स्कूल में भी हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। अभी बालक स्कूल और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बरम केला में हमारा 2 सत्र अभी और शुरू होना है। जैसा कि बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को कठिनाई हो रही है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा उनमें डर है कि पहला वैक्सीन अभी लगना है उनको। ऐसे अभी सरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में भी वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। डोंगरीपाली में भी प्रारंभ हो चुका है और लेंद्रा में भी प्रारंभ हो चुका है और बोंदा में भी प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसा इस तरह से आज हमारे विद्यालय मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में राज्य शासन के द्वारा बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई और बहुत ही हम उत्साहित हैं कि बरम केला ब्लॉक में हमारे विद्यालय को सबसे पहले शासन ने चयन किया है और सवेरे 10 बजे से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आकर बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ की गई है। इस वैक्सीनेशन में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, यानी 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के 432 बच्चों को हम वैक्सीनेशन कराने का कार्यक्रम रखे हैं। हम इनके लिए पालक से सहमति पत्र भी ले रहे हैं, बच्चों का आधार कार्ड मांग रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, यदि किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उनकी फाइल भी मंगा रहे हैं। पालकों का उत्साह भी इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में काफ़ी मजबूती से रहा है और शासन के नियमानुसार हम उनकी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 3 अलग अलग कक्ष की व्यवस्था की है, जिस